दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाएं, सबसे पहले वीडियो का इन्फॉर्मेशन पाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश कुमार, एसबी फ्लोरिंग टेक्निकल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत जन मेरे से सवाल करते हैं कि ये इपॉक्सी क्यों करते हैं, इपॉक्सी के क्या फायदे हैं, तो मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ इपॉक्सी क्यों किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं और ये कितना स्क्वायर फीट में, कितना कौन सी टाइल साइज में, कितना ये कितना किलो लगेगा, उसके बारे में आज डिटेल से बात करने वाला। प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताइए। आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है आज का, तो ये बहुत, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पूरा डिटेल से देखें। MY के लेटिकेट लेट इपॉक्सी SB100, यह अलग अलग साइज में आता है, 1 किलो के भी आता है, 5 किलो का भी पैकिंग आता है। यह रेजिन हार्डनर, इसको रेजिन हार्डनर और पाउडर से मिक्स तैयार किया जाता है, तीनों को मिक्स करके इसको निर्मित किया जाता है। मिक्स ये होने के बाद में एक प्लास्टिक के जैसा हो जाता है। तो इसके क्या क्या फायदे, पहला फायदा है इसको, ये 100% स्टेन फ्री होता है, ये दाग बिल्कुल भी नहीं पकड़ता है। इसका दूसरा फायदा है ये केमिकल एंड टेम्परेचर रेसिस्टेंट होता है, ये केमिकल को और तापमान रहता है उसको, उसका प्रतिरोधक होता है। ये डबल मजबूत होता है, डबल स्ट्रॉन्ग होता है और यह है एंटी बैक्टेरियल एंड एंटी फंगल होता है, यह जीवाणुओं का प्रतिरोधक होता है। यह टाइल बेंड रहती है, टाइल्स बेंड रहती है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एक एक बार मैच फिनिश टाइल्स रहते हैं वो बेंड रहती है, और बड़ा साइज का भी टाइल्स रहता है तो बेंड रहती है, उसको 2 mm 3 mm 4 mm स्पेस रहती है तो वो बेंड ज़्यादा समझ में नहीं आता है। और इसके लिए भाई, और ये अपन समझो टाइल्स को फिटिंग, अपन फ्लोरिंग का टाइल्स या दीवार का टाइल्स उसको स्पेसर छोड़ते हैं, फिर उसको सीमेंट में लगाते हैं और स्पेसर में छोड़ते हैं, तो वाटर जो अपन पानी मारते हैं, वाटर क्यूरिंग, उसको अच्छा पीछे से सीमेंट को पूरा क्यूरिंग हो जाता है पानी का। और ये दोस्तों, ये मैं भी मेरे घर पे किया हुआ है, ये मैं इसकी बहुत सारे फायदे इसीलिए मैं भी किया हूँ। तो ये टायर को एडजस्टमेंट करता है, ये क्या होता है धूप में, दूरकालीन में, सर्दियों में उसको कम ज़्यादा होता है टाइल्स। जी हाँ दोस्तों, टाइल्स कम ज़्यादा होता है बहुत जगह कारखानों में, मैं देखा हूँ दुकानों में जहाँ पर ये टाइल धूप में टेरिस पे ये टाइल्स कम ज़्यादा होता है, इस वजह से छोड़ दो कम ज़्यादा वो एडजस्टमेंट करता है बॉक्स में। और दोस्तों, इसका लुक भी बहुत शानदार दिखता है, इसमें बहुत ही शानदार लुक होता है। और दोस्तों, इसको इपॉक्सी होने के बाद में टाइल्स से भी ज़्यादा मजबूत यह इपॉक्सी हो जाता है, जो जॉइंट रहता है जॉइंट को मजबूत बना देता है टाइल्स से भी ज़्यादा। और इसको इसमें दोस्तों आपको 36 से 40 कलर मिल जाते हैं अलग अलग, जो आपको जो कलर पसंद हो वो कलर भी मिल जाता है। एक ये बहुत ही शानदार मेरे घर पर भी किया हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने ये प्लाईवुड के मैचिंग का, प्लाईवुड और फर्नीचर सोफा है उसका मैचिंग का मैंने इपॉक्सी किया है। ये बहुत भी अपन इसका बात करने वाले हैं, कितना स्क्वायर फीट, कितना क्या साइज टाइल में क्या इसको स्क्वायर फीट ये लगेगा। दोस्तों, अभी बात करने वाले हैं कि कितने स्क्वायर फीट में कितना हो जाएगा। इपॉक्सी ग्राउटिंग फ्लोरिंग और दीवार की विट्रीफाइड टाइल्स और सेरामिक टाइल्स के अलावा मार्बल और स्टोन्स में किया जाता है। तो आज अपन सिर्फ टाइल्स की फ्लोरिंग और दीवार के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी वाले का भी कार्ड है, उनके हिसाब से, कंपनी वाले के हिसाब से ये इधर टाइल्स का साइज है और ये डीप भी है, कितना खड्डा रहेगा उसमें, और ये स्पेसर है, ये 2 mm का स्पेसर, 3 mm का स्पेसर, 4 mm का, ये 12 mm तक है। अभी इसमें बताया गया है ये 2x2 की टाइल्स में 3 mm स्पेसर रखेंगे तो 394 स्क्वायर फीट काम हो जाएगा। अभी 3 फीट बाई 3 फीट की टाइल्स में 12 mm तक डीप में भरेंगे तो ये 393 स्क्वायर फीट काम होएगा। ये दोस्तों 5 किलो के बकेट में है, 5 किलो इपॉक्सी का एवरेज बताए हुए हैं। तो
ये 12 mm थिकनेस टाइल्स का थिकनेस रहता है, तो ये कंपनी वाले के हिसाब से है। तो उसी प्रकार से मैंने इसका अलग से लैपटॉप में बनाया है। इसमें क्या है, मैंने इसका डीप कम करके आपको अच्छे से बताने के लिए मैंने बताया है अभी, क्योंकि अपन फ्लोरिंग में या दीवार में 12 mm 10 mm डीप अंदर तक डीप में भरेंगे तो केमिकल डबल लगेगा, ज़्यादा लगेगा, बहुत लॉस होएगा। तो या फ्लोरिंग में तो वैसे भी ये सीमेंट आ जाता है ऊपर, और एडेशिव भी जॉइंट में ऊपर आ जाता है, तो उतना अंदर तक डीप में लगता नहीं अपने को। तो इसीलिए मैंने इसका डीप में कम के हिसाब से बताया है। अगर डीप ज़्यादा है तो आप सादा एडेशिव भर के डीप कम कर ले, डीप कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने 2 फुट व 1 फिट की 4 mm डीप के हिसाब से 3 mm स्पेस रखेंगे तो 610 स्क्वायर फिट काम होएगा। 2x2 की टाइल्स में 4 mm डीप रख के 3 mm स्पेस रखेंगे तो 788 स्क्वायर फिट काम हो गया, और 4 mm डीप रखेंगे तो 590 स्क्वायर फिट काम हो जाएगा। उसी प्रकार से 3x3 की टाइल्स में 3 mm डीप में 786 और 4 mm डीप में 590 स्क्वायर फिट काम हो जाएगा। तो ये थिकनेस रहता है, ये टाइल्स की थिकनेस इसमें 12 mm रहता है, लेकिन अपने को 6 mm तक सादा एडेशिव भरना है, उसके ऊपर जो ऊपर का एरिया रहता है उसमें इपोक्सी भरना है, क्योंकि अपन अंदर तक भरेंगे तो केमिकल ज़्यादा जाएगा और अब भरने में भी आसानी नहीं रहेगी, भरने में भी तकलीफ होगी। इसलिए ये 2.5 फीट x 4 फीट की टाइल्स में 6 mm तक डीप रखेंगे और 3 mm स्पेसर रहेगा तो 900 स्क्वायर फिट काम होएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस प्रकार से ये 6 mm का भी बताया है, 4 mm 3 mm और 2x2 की 2x1 फुट का भी बताया है, 2 फुट x 2 फुट का 800 का, 3x3 का ये 8, ये 2.5 फीट x 4 फीट का इस प्रकार से बताया है। ये 4 फीट वाई इस पर कार्डबन नहीं था, वो मैंने अलग से ऐड करके आपको समझाने के लिए बताया है। इसमें कार्ड में 2.5 फीट x 4 फीट का वो इतना बताया सो नहीं था, तो इसके हिसाब से मैंने आपको अलग से बताया है। धन्यवाद दोस्तों, शायद आपको मेरा वीडियो शायद पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, और आपको क्या अभी और मेरे से क्या छूट गया, क्या रह गया, तो आप हमारे से कमेंट में बात कर सकते हैं।